फिल्म के शुरुआत में हमें लुईज नाम की महिला को उसकी बेटी हैना के साथ दिखाया जाता है, जहां समय के साथ हैना बड़ी होती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से लुईज को दिखाया जाता है जो लिंग्विस्ट होती है, यानी कि लुईज को बहुत से भाषाओं का ज्ञान है। अब इसके बाद वो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पोर्चुगीज भाषा के बारे में पढ़ाने लगती है। और तभी एक स्टूडेंट जिसे उसके घर से फोन आया था, वो लुईज को बताती है कि टीवी पर बहुत जरूरी न्यूज आ रही है। इसलिए अब लुईज क्लासरूम की टीवी चलाकर न्यूज देखने लगती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि उनके देश में एक एलियन शिप आ गई है, और इसी तरह पूरी दुनिया में कई जगह अचानक से एलियन शिप आ गए हैं, और इसी के साथ उनकी बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है। इसलिए अब सारे स्टूडेंट्स और टीचर वहां से निकलकर अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में लुईज को मिलिट्री के फाइटर प्लेन्स भी नजर आते हैं जो उन्हीं एलियन शिप्स के पास जा रहे थे, और इधर वो एलियन शिप्स दुनिया की 12 अलग अलग जगहों पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर फिर भी दुनिया भर की सरकारें परेशान हो जाती है कि आखिर ये एलियंस हमसे चाहते क्या है। अब इस बात का पता लगाने के लिए ये सभी सरकारें अपने अपने तरीके से उन एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर आगे हम लुईज को कॉलेज में देखते हैं, पर उसका कॉलेज अब खाली होता है क्योंकि उन एलियन शिप की वजह से सारे लोग डरे हुए थे, जिस कारण पूरा कॉलेज खाली पड़ा था, जो देखकर लुईज अपने ऑफिस में जाकर न्यूज देखने लगती है। और तभी वहाँ कर्नल वेबर आकर लुईज को उन एलियंस की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए सवाल करते हैं कि क्या तुम इस भाषा को समझकर ट्रांसलेट कर सकती हो, जिस पर लुईज कहती कि मुझे किसी नई भाषा को समझने में थोड़ा समय लगेगा, और वहीं उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के आधार पर उनकी भाषा को समझ पाना नामुमकिन है। इसलिए लुईज कहती कि वो उन एलियन से बात करना चाहेगी ताकि वो एलियंस की भाषा को समझ पाए। इसलिए अब वेबर लुईज को उन एलियंस की शिप तक ले जाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब वो रात के समय ही लुईज को उसके घर से हेलीकॉप्टर पर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ लुईज को इयान नाम का फिजिसिस्ट मिलता है, और उसे भी आर्मी वालों ने उन एलियंस का इरादा समझने के लिए बुलाया होता है। और अब कुछ समय बाद वो लोग एलियन शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शिप में जाने से पहले लुईज और इयान को एंटी रेडिएशन सूट पहनाया जाता है, और उनके साथ आर्मी के कुछ और लोग भी उस शिप पर जाने के लिए एंटी रेडिएशन सूट्स पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर वो सभी एक गाड़ी में बैठकर उस शिप के नीचे पहुंच जाते हैं। दरअसल ये शिप जमीन से कुछ ऊपर होती है, इसलिए वो सभी गाड़ी के लिफ्ट से उस शिप के अंदर प्रवेश करते हैं, और उस शिप की ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए लुईज को पहले तो वहां जाने में थोड़ा डर लगता है, पर आखिरकार वो किसी तरह से उस हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी में प्रवेश करके उन एलियंस के सामने पहुंच जाती है। अब इस शिप में 7 पैरों वाले 2 एलियंस होते हैं जो अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन इस सब से लुईज को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सारे लोग वापस से आर्मी कैंप आ जाते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि जिस तरह ये लोग उन एलियन से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह दुनिया के बाकी देश जैसे चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया भी उन एलियन से बात करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब अगले दिन लुईज एक व्हाइट बोर्ड लेकर उन एलियन से बात करने जाती है ताकि वो लिखकर उनसे कम्युनिकेट कर पाए। वो पहले ह्यूमन लिखकर उन एलियंस को अपने बारे में बताती है, जिसके जवाब में एलियंस भी सर्कुलर शेप में कुछ लिखकर जवाब देते हैं, जिससे लुईज सहित बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि ये एलियंस अपनी भाषा में जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद वो सभी वापस से कैंप में लौट आते हैं, जहाँ लुईज उनकी भाषा को समझने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके लिए उन्हें फिर से एलियन से बात करनी होगी ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एलियन शब्दों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे अच्छे से समझ सके। दरअसल लुईज को ये काम दिया गया था कि वो एलियंस के धरती पर आने की वजह पता करे, लेकिन इसके लिए लुईज को एलियंस की भाषा का ज्ञान होना जरूरी था, जिसके लिए वो एक बार फिर से उस शिप पर जाती है। अब यहाँ लुईज व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उन एलियंस को दिखाती है, जिसकी जवाब में वो एलियंस वैसा ही सर्कुलर शेप बनाते हैं जैसा उन्होंने ह्यूमन लिखने पर बनाया था, जो देख लुईज के मन में ये ख्याल आता है कि इस रेडिएशन सूट की वजह से एलियंस उसे देख नहीं पा रहे, इसलिए अब वो अपने सूट को उतार कर उन एलियंस के पास चली जाती है। और अब उसे ऐसा करते देख इयान भी अपना सूट निकाल देता है, क्योंकि यदि कोई रेडिएशन होता तो अब तक इसका असर लुईज पर हो जाता। अब इयान भी उस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर दिखाता है, जिसकी जवाब में वो दोनों एलियंस अपनी भाषा में अपना अपना नाम लिखते हैं, पर क्योंकि उन्हें अभी तक एलियन भाषा नहीं समझ आई थी, इसलिए इयान उनके नाम एबॉट और कैस्टेलो रख देता है।
वहीं ही अब शिप से उतरने पर लुइस को अपनी बेटी के विजन्स आते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के साइंटिस्ट और लिंग्विस्ट उन एलियन से बातें करके उनकी भाषा को समझ में थोड़ा बहुत कामयाब हो जाते हैं। और इसी सब के दौरान लुइस को कई बार अपनी बेटी के विजन्स आते हैं, जिसमें वो अपनी बेटी को कैंसर के कारण हॉस्पिटल में देखती है। पर हैरानी की बात तो ये है कि लुइस की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, यानी कि ना तो उसकी बेटी है और ना ही उस बेटी को कैंसर हुआ है। अब इसके बाद वेबर लुइस को चाइना के मिलिट्री जनरल शेंग की वीडियो फुटेज दिखाकर उनकी बातों को ट्रांसलेट करने को कहता है, जिस पर लुइस उनकी बातों को ट्रांसलेट करके बताती है। पर शेंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिससे उनके इरादों का पता चल सके, और इसी बात को लेकर वेबर काफी परेशान थे, क्योंकि चाइना ने अपने देश में मौजूद स्पेसशिप की तरफ मिलिट्री को हथियारों के साथ भेजना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज जनरल कभी भी उन एलियंस पर हमला कर सकते थे। तब लुइस, इयान और बाकी लोग फिर से उन एलियंस के पास जाते हैं, और यहाँ लुइस के पास एक टैबलेट होता है जिसके जरिए वो एलियन से उन्हीं के भाषा में सवाल करती है कि वो लोग कहाँ से आए हैं, जिस पर कैस्टोलो नाम का एलियन एक शेप बना देता है, जिसका ट्रांसलेशन करके लुइस वेबर को बताते हैं कि ये एलियंस हमें हथियार देने आए हैं। अब क्योंकि इंसानों को अभी तक एलियंस की भाषा ठीक से समझ नहीं आई थी, इसलिए वेबर दावा करते हैं कि क्या पता वो हमें हथियार देने नहीं बल्कि हथियारों से नष्ट करने आए हो, जो सुनकर लुइस वेबर को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वेबर उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि चाइना के साथ साथ कई देश उन एलियन शिप पर हमला करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो भी उन एलियंस पर हमला करने का विचार बना लेता है। अब आगे टीवी न्यूज के जरिए बताया जाता है कि चाइनीज साइंटिस्ट से एलियंस की बातों के दौरान एलियंस ने हथियार इस्तेमाल करने की बात कही है, इसीलिए चाइनीज आर्मी बहुत जल्दी उस स्पेसशिप पर हमला करेगी। वहीं इस तरह वेबर उस स्पेसशिप में टाइम बम लगवा देते हैं, पर उसे फटने में काफी समय था, इसलिए अब यान और लुइस आखिरी बार उन एलियंस के पास जाते हैं, जहां अब एबॉट अपना हाथ आगे करता है, जो देख लुइस भी अपना हाथ उसके पास ले जाती है, और अब उसके ऐसा करते ही उसे अपनी बेटी के विजन्स आने लगते हैं। इधर एबॉट और कैस्टलो एक साथ बहुत से छोटे सर्कुलर शेप बनाकर अपनी बातें कहते हैं, लेकिन तभी बम फटने का समय भी हो जाता है, इसलिए एबॉट इयान और लुइस को शिप से बाहर फेंक देता है, जिससे लुइस और इयान तो धमाके से बच जाते हैं, लेकिन एबॉट मारा जाता है। अब ये देखकर हम समझ पाते कि वो एलियंस इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और वहीं टीवी न्यूज के जरिए बताया जाता है कि चाइना ने उन एलियंस को अपने देश से जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है, और यदि इन 24 घंटों में उनकी शिप वापस नहीं गई तो चाइनीज आर्मी उन पर हमला कर देगी। जबकि इस तरफ लुइस और इयान उन छोटे सर्कुलर शेप्स को समझाने की कोशिश में लगे होते हैं, जहां वो लोग बहुत से शब्दों में समय लिखा हुआ देखते हैं, यानी कि एलियंस उन्हें समय के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। और तभी इयान उन छोटे सिंबल्स के बीच की दूरी को कैलकुलेट करके ये पता लगा लेता है कि उनके पास जो जानकारी है वो 12 में से एक है, जिसका साफ मतलब है कि इंसानों को सभी 12 शिप से मिली जानकारी को जोड़ना होगा, और तभी वो लोग एलियंस की भाषा को पूरी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन चाइना की वजह से सभी देशों ने एलियंस की बातों को एक दूसरे से शेयर करना बंद कर दिया था। इधर लुइस को एहसास होता है मानो वो एलियंस उससे बात करना चाहते हो, इसलिए वो आर्मी कैंप के बाहर जाती है, और बाहर जाने पर लुइस के सामने एक पॉड आता है, जिसमें वो बिना सोचे समझे प्रवेश करके कैस्टोलो की शिप पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वहाँ कैसलो आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, और तब लुइस उससे एबॉट के बारे में पूछती है, जिस पर कैस्टोलो लिखकर बताता है कि एबॉट की मृत्यु हो चुकी है, जो जानकर लुइस उसे बॉम्ब धमाके के लिए माफी मांगते हुए बाकी सवाल पूछती है, जिसके जवाब में कैस्टोलो बताता है कि तुम एक हथियार हो इसलिए उसका प्रयोग करो। पर अब इस बात का मतलब लुइस को समझ नहीं आता, इसलिए वो उनकी पृथ्वी पर आने का कारण पूछती है, और तब कैस्टोलो लिखकर बताता है कि हमें 3000 साल बाद इंसानों की मदद चाहिए। जो पढ़कर लुइस सवाल करती कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि आने 3000 साल बाद तुम्हें हमारी मदद लगेगी, जिस पर फिर कैस्टोलो लुइस को देखता है, जिससे लुइस को वापस से अपनी बेटी के विजन्स आने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब तक वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख पा रही थी, और बिल्कुल उसी की तरह ये एलियंस भी भविष्य में होने वाले घटनाओं को देख सकते हैं। अब आखिर में कैस्टोलो लुइस को रिवील करता है कि तुम भविष्य देख सकती हो, और हमारे हथियार की वजह से समय का द्वार खुल जाता है, और अब हम यहाँ नोटिस कर पाते हैं कि ये एलियंस अपनी पूरी
बात को सिर्फ एक सर्कुलर सिंबल में ही कह पाते हैं, जबकि इंसानों को अपनी बात बताने के लिए काफी सारे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अभी सब के बाद वो लुईस को आर्मी कैंप के पास छोड़कर अपनी स्पेसशिप को हॉरिजॉन्टली खड़ा कर लेता है, और अब उसके ऐसा करते ही दुनिया भर में मौजूद सभी एलियन शिप जो अब तक वर्टिकली यानी कि सीधी खड़ी थी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद लुईस को अपने विजन में ये नजर आता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एलियन भाषा पढ़ा रही है, जिसका मतलब ये है कि वो आगे जाकर एलियन भाषा को अच्छे से समझ पाएगी, और क्योंकि वो भविष्य देख सकती है इसलिए उसे एलियन भाषा का ज्ञान अभी से हो जाता है। जिसके बाद वो उन एलियंस के द्वारा बनाए गए सर्कुलर सिंबल्स को समझकर वेबर से कहती कि वो एलियंस किसी हथियार की नहीं बल्कि तोहफे की बात कर रहे थे, और जो तोहफा उन्होंने इंसान को दिया है वो उन एलियंस की भाषा है। वो आगे ये भी समझाते हुए बताती है कि जिस तरह हम इंसान किसी चीज को बाएं से दाएं की ओर आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, ठीक उसी तरह हम समय को भी आगे बढ़ते हुए पाते हैं, जबकि ये एलियंस सर्कुलर यानी कि एक गोल बनाकर अपनी बात को लिखते हैं, और इसी तरह इनके लिए समय भी एक गोल घेरे में घूमता है, यानी कि ये एलियंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ ही देख और समझ सकते हैं। पर वेबर को लुईस की बातें कुछ खास समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें डर था कि चाइना के हमले के बाद एलियंस भी इंसानों पर हमला कर देंगे, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ एलियन से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। और तभी लुईस को वापस से अपनी बेटी का विजन आता है, जिसके साथ ही वो दूसरा विजन देखती है जहां आज से 18 महीने बाद एक पार्टी रखी गई है, जिस पर चाइनीज जनरल शेंग लुईस से कहते कि यदि तुमने 18 महीने पहले मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करके मुझे मेरी बीवी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द ना बताए होते तो मैं उन एलियंस पर हमला कर देता, जिस पर अब लुईस कहती कि मुझे आपका प्राइवेट नंबर तो पता ही नहीं है, जिस पर फिर शेंग उसे अपना प्राइवेट नंबर और अपनी बीवी द्वारा कहे गए अंतिम शब्द बताते हैं। और अब सिंस लुईस को भविष्य में शेंग का प्राइवेट नंबर मिल जाता है, इस कारण से अब उसके पास प्रेजेंट में भी शेंग का प्राइवेट नंबर याद होता है। तब वो चुपके से आर्मी हेड का फोन लेकर जनरल शेंग को कॉल करके उनकी बीवी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द बताकर ये यकीन दिलाती है कि वो भविष्य देख सकती है, इसलिए उन्हें एलियंस पर हमला नहीं करना चाहिए। और तब जनरल शेंग उसकी बात मानकर एलियंस पर हमला को रोक देते हैं। उधर एलियन शिप भी एक एक करके पृथ्वी से चली जाती है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए पृथ्वी पर आए थे वो पूरा हो चुका था, क्योंकि इंसानों ने उनकी भाषा समझ ली थी और इस भाषा का प्रयोग करके इंसान भी भविष्य देख सकने में काबिल हो जाएंगे, और इसी से 3000 साल बाद इंसान उन एलियंस की मदद कर पाएंगे। अब आगे लुईस अपने विजन में ये भी देखती कि उसकी बेटी का पिता कोई और नहीं बल्कि इयान ही है, यानी कि वो इयान से शादी करेगी। फिर मूवी के आखिरी सीन में इयान और लुईस एक साथ बैठे होते हैं, जहां इयान प्रकट करता है कि मैं खुद को इसलिए खुश नसीब नहीं मानता कि मैं उन एलियन से मिला, बल्कि मैं खुद को इसलिए खुश नसीब मानता हूँ कि मैं तुमसे मिला। और अब आगे हम भविष्य में इयान और लुईस को उनकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की शॉर्ट में बात करें तो इसमें लुईस नाम की भाषा एक्सपर्ट को एलियंस की भाषा समझने का काम दिया जाता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो एलियंस इंसानों को कोई हथियार देने आए हैं, पर वो हथियार कुछ और नहीं बल्कि उन एलियंस की भाषा है, जिसको समझने वाला इंसान भविष्य में होने वाले घटनाओं को देख पाएगा। वहीं मूवी में एक जगह कैस्टेलो ने लुईस से कहा था कि हमारी भाषा समय के द्वार को खोलती है, यानी कि वो भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं, और इसी काबिलियत की वजह से उन एलियंस को पहले ही पता चल गया था कि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद लगेगी, इसलिए वो इंसानों को अपनी भाषा सिखाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। जिस दौरान लुईस जो कि एक भाषा एक्सपर्ट थी वो शुरू से उनकी भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगी थी, जिस कारण उसे अपनी बेटी के विजन्स आने लगे थे, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं मूवी में दिखाया गया पहला सीन लुईस के भविष्य की झलकियां थी, पर अब भी मूवी देखकर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब लुईस को पहले ही पता चल गया था कि उसकी बेटी कैंसर से मर जाएगी तो फिर उसने यान से शादी क्यों की? तो इस सवाल का दो जवाब है, पहला ये कि वो यान से प्यार करने लगी थी, और दूसरा ये कि उसने अपने भविष्य को बदलना ठीक नहीं समझा। आशा करता हूँ कि अब आपको इस मूवी से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।